Lovely. Where's the owner? एक बार ना माने साहब इधर आइए अभी तो एम एस ताकि चलता फिरता क्राउड भी यहाँ पे इसलिए हम वो ताले चाबी वाला ज्यादा नहीं करना चाहते हैं ताकि एक्सेसिबिलिटी रहे बट लवली फिटिंग वेरी नाइस और सर हाँ सो अहमदाबाद के सिटीजन से हेल्प ली और बहुत थोड़े टाइम में लगभग 850 और बुक्स इन्होंने फिलहाल कर ली। जिन चीजों पे बात तो नहीं है Ma'am, have you all been able to meet the youngsters? No, sir. I think because colleges and all are still. The roof is there, sir. Okay. And there's one complete wall of that room from here to us. Oh, okay. So we will be setting up separate furniture here. Beautiful. Jai, how is it? Jati, jo youth ki aspiration hai, वैसी type ki books. Plus, and वो भी हसल पसंद से भी दूर है. Yes, yes. But yet it is there. बारिश की वजह से ऊपर से वो कैसे हैं बिल्कुल बढ़िया गुड टू सी यू ऑल एंड पहले मैं अपनी प्रेस फ्रेटर्निटी जो हमारे जर्नलिस्ट है यंग जर्नलिस्ट इनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमेशा पेश रहते हैं ऐसे प्रोग्राम में और उसके बाद मैं इंडियन आर्मी पर्टिकुलरली दिस 21 RR का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। पहले से डिमांड थी इस फेडरेंटी की कि एक हमारा प्रेस क्लब बन जाए। हालांकि मैंने भी इनसे एक वादा किया है, मैं म्यूनसिपल की तरफ से इनको एक प्रेस क्लब का एक कमरा अच्छा सा जिसमें बाथरूम भी हो अच्छे से वाशरूम भी हो वो भी मुहैया करूँगा। लेकिन इंडियन आर्मी यहाँ जो हमारे CO साहब हैं 21 के, इनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने यहाँ प्रेस फ्रेटर्निटी के लिए एक अच्छा काम किया और साथ ही में एक कंसेप्ट दिया जो लाइब्रेरी इसमें लगाए कम्युनिटी टाइप लाइब्रेरी। जो बाहर जब हम दिल्ली जाते हैं मुंबई जाते हैं तो कम्युनिटी टाइप जो लाइब्रेरी होती है वो 24/7 खुली रहती हैं, कोई भी स्टूडेंट कोई भी बंदा आ सकता है, रात को पढ़ सकता है, किताबें पढ़ सकता है, चाहे एग्ज़ाम उसका हो वो भी पढ़ सकता है। तो सेम इज़ द केस विद दिस, ये एक अच्छी पहल है आर्मी की तरफ से, बहुत ही अच्छी पहल है। और ये जो यहाँ पर हम बैठे इस रेस्टोरेंट में चंक सिटी में जो एक और अलग कंसेप्ट है, जब आप दिल्ली जाएंगे किसी और जगह मुंबई जाएंगे स्टारबक्स में कॉफ़ी पीने जाएंगे वहाँ साइड में एक बुक है, आप कॉफ़ी का सिप भी लेते हो और वहाँ से आप फिर किताब भी पढ़ते हो। तो मैं अपने CO साहब से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस लाइब्रेरी को अब ई लाइब्रेरी में तब्दील किया जाए। ये जो मतलब क्योंकि आजकल तो ज़माना बदल गया, तो ये जो मतलब हमने प्रेस क्लब के लिए एक हम भी उसमें ये करेंगे कंट्रीब्यूट, म्यूनसिपल कमेटी और मैं पर्सनली मसरूर बांडे उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। ई लाइब्रेरी भी होनी चाहिए बिकॉज नाउ इट इज़ बहुत ज़माना आगे चला गया। सो दिस एंड मतलब ये एक लेटेस्ट मतलब जो हम बाहर जब जाते हैं मुंबई दिल्ली जहाँ भी बड़े शहरों में जाते हैं, मतलब हमारे बच्चे जो वहाँ पढ़ते हैं चाहे सिविल सर्विस के लिए, वो रात रात भर कम्युनिटी मतलब सेंटर्स में फिर जाते हैं पढ़ने। और इसी टाइप का कॉन्सेप्ट है जो हमारे इंडियन आर्मी ने यहाँ इंस्टॉल किए हैं और पर्टिकुलर जो हमारे इन जवान साहब जो है हमारे ये प्रेस वाले हैं चाहे इलेक्ट्रॉनिक प्रेस ये रखते हैं उनके लिए एक प्रेस क्लब का भी जगह दी, जिसके लिए हम आर्मी के बड़े शुक्रगुजार हैं। देखिए सर, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, अगर एजुकेशन सिस्टम में हमें हेल्प मिल जाती है तो ये बहुत ही फ़ख्र की बात है, क्योंकि आजकल हम सबको पता है हमारा यूथ एजुकेशन से कट के ड्रग्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, हम सब जानते हैं। तो इस हवाले से अगर पहलू ये है, अगर मतलब रेस्टोरेंट में इन्होंने कम्युनिटी बुक इंस्टॉल किया हुआ है तो इससे एजुकेशन बढ़ेगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही फ़ख्र की बात है कि मतलब हमने इस
इस कंसेप्ट को अच्छा महसूस किया तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी तक तो ऐसा इनिशिएटिव किसी ने उठाया या नहीं, तो हम वी आर वेरी थैंकफुल टू 21RR कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया, यहाँ पे प्रेस क्लब और यहाँ पे थोड़ी सी एक कम्युनिटी लाइब्रेरी दी, तो इससे मतलब हमारे यूथ का ही फ़ायदा होगा, हमारा ही फ़ायदा है। तो शुरुआत में जब इसके बारे में बात हो रही थी तब मेरे एक फ्रेंड है जो आर्मी में है और उन्होंने बोला था कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम यूथ के लिए यहाँ पे और क्या कर सकते हैं उनको ज़्यादा एक्सपोजर देने के लिए ज़्यादा। तो उन्होंने जब हमको पूछा तो हमने प्रपोजल दिया, क्योंकि हम लोगों के हिसाब से हम तीन लोग हैं, रीना है, मैं हूँ और एक और फ्रेंड है हमारी श्वेता जो देहरादून में बैठी है। तो उन्होंने हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों के लिए लाइब्रेरी एक बहुत अहम हिस्सा रहा है हम लोगों का आगे बढ़ाने में, तो उसी तरह से ओपन लाइब्रेरी इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑल कम्युनिटीज़ एंड प्लेसेस। और यहाँ पे जब हमको बताया गया कि यहाँ पे इस तरह का कुछ है नहीं, तो दैट इज़ व्हेन वी डिसाइडेड कि वी विल ट्राई एंड मोबिलाइज, क्योंकि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े नहीं हैं, लेकिन हम करना चाहते थे। तो हमने फ्रेंड्स फैमिली को से बात की एंड वी आस्क देम फॉर बुक्स एंड डोनेशंस। तो कुछ फ़ंड में भी मिला है, जो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर फ़ंड हमको पोस्टेज में ही यूज़ करना पड़ा, लेकिन हम ऑलमोस्ट 800 से ज़्यादा किताबें भेज पाए हैं और कुछ किताबें हमने स्कूल में भी रखी हैं और कुछ किताबें यहाँ पे हैं, कुछ किताबें प्रेस क्लब में हैं। एंड कोशिश कर रहे हैं कि हम एज एंड वेन हमारे पास किताबों का कलेक्शन बढ़ता जाए, हम कुछ नई किताबें भी आपके पास भेजेंगे।